हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर को आपको शॉर्ट एंड स्वीट वे के अंदर इस तरीके से आपको नोट्स मिलने वाले हैं कि आप इसे लाइफ टाइम तक याद रखोगे। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो कि आपका एग्जाम के अंदर छोटे का 100% आप इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। तो ट्राई हमारा ये रहेगा कि 10 मिनट्स में आपको कंप्लीट इस चैप्टर का रिविजन हो जाए। और उसी के साथ में ये जो PDF है, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से जाकर के इसे देख सकते हो। लेकिन उससे पहले पूरा सुनना, जब ही जाकर के इसमें समझ में आएगा, क्योंकि इसमें जो लैंग्वेज है उसको अगर आप एक बार सुन लोगे ना तो आपको पूरा अच्छे से समझ में आने वाला है। तो बेसिकली सबसे फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं हेरिडिटी। अब देखो होता क्या है कि हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम स्टार्टिंग से ऐसा नहीं है कि जब से अर्थ फॉर्म हुआ है जब से हम ह्यूमन बींग्स हैं, जैसे आप अभी अपने आप को देख रहे हो, ऐसे नहीं थे। पहले हमारी शेप कुछ और थी, फिर उसके बाद में धीरे धीरे डेवलपमेंट किया। इससे पहले अगर मैं आपको बताऊं कि हम जब एनिमल्स थे, बेसिकली ह्यूमंस क्या थे, वो थे एनिमल्स, ठीक है। फिर एनिमल से थोड़ा इवॉल्व हुए, इनके अंदर मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हो कि दिमाग हुआ, दिमाग हमने सोचने समझने की शक्ति आई, जब जाकर के हम ह्यूमन बींग्स बने। तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ, एक तरीके से हम इंसान नहीं थे, हम जानवर थे, ठीक है। अब जैसे कि एनिमल्स होते हैं जो कि आपने देखा होगा कि फ्लैश खाते हैं, मतलब मीट खाते हैं, वो भी कच्चा मीट, वैसे ही हम लोग खाते थे, हम लोग पत्तियां वगैरह खाते थे। तो बेसिकली ये जो है, यहाँ पर हमारे पास में जो पूरा पूरा कैरेक्टर था कि हमारे पास में एक तो इवोल्यूशन हुआ, कुछ कुछ वेरिएशन आए, जैसे कि जो हमारी पिछली वाली जनरेशन थी उसके अंदर कुछ वेरिएशन आए, फिर नेक्स्ट जनरेशन में कुछ और वेरिएशन आए, इस तरीके से वेरिएशन आते रहे, तो हम जाकर के आज एक ह्यूमन बींग है। लेकिन उसी तरीके से कुछ ना कुछ तो कॉमन होता होगा जनरेशन के अंदर, जैसे कि आप और आपके फादर, फिर आपके दादाजी, ये क्या है, ये है 3 जनरेशन। अब इन 3 जनरेशन के अंदर कुछ ना कुछ तो कॉमन होगा। तो वही यहां पर कि जो कैरेक्टर जो होते हैं, या फिर आप बोल सकते हो जो ट्रेट्स होते हैं जो कि आपको आपकी जनरेशन से मिलते हैं, ट्रांसफर होते हैं, उसी को ही हेरिडिटी कहा जाता है। तो आपको याद रखना है कि द ट्रांसमिशन ऑफ अ कैरेक्टर और अ ट्रेट्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन इज कॉल्ड हेरिडिटी, इसको ही हेरिडिटी कहा जाता है। फिर इसी के साथ में अगर हम बात करें वेरिएशन, वेरिएशन क्या होता है, वेरिएशन बेसिकली ये होता है कि क्या डिफरेंस है कैरेक्टर में। जैसे कि आपको बताऊं कि एक प्रीवियस जनरेशन थी, हम इसको बोलते हैं F1 जनरेशन, से याद रखो इसको, आपको अच्छे से याद आएगा, और एक होती है F2 जनरेशन, ठीक है। अब ये जो जनरेशन है, इनके अंदर कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा, जैसे कि मान लो कि हेयर कलर अलग हो गया, और उसी के साथ में और मान लो कि कोई का आइज कलर चेंज हो जाता है। तो ये जो डिफरेंस है, मतलब कि कुछ कैरेक्टर के अंदर डिफरेंस है, उनके पेरेंट्स का आइज का कलर ब्लैक है, हेयर का कलर ब्लैक है, लेकिन जो उनके बच्चे हैं उनके हेयर का कलर मान लो ब्राउन हो जाता है, तो यही क्या हो गया, यहाँ पर आ गया एक वेरिएशन। तो आपको याद रखना है इसे कि द डिफरेंसेस इन द कैरेक्टर और ट्रेट्स अमॉन्ग द इंडिविजुअल्स ऑफ अ स्पीसीज इज कॉल्ड वेरिएशन, इसको वेरिएशन कहा जाता है। अब इसके क्या क्या कारण होते हैं, सबसे फर्स्ट इसका कॉज होता है कि जेनेटिक वेरिएशन, जिसको कि म्यूटेशन भी कहा जाता है, जो कि इसका सबसे फर्स्ट रीजन है। सेकंड, यहां पर एनवायरमेंटल फैक्टर भी काफी ज्यादा होते हैं, जैसे कि डाइट में भी बहुत ज्यादा चेंज होता है, जैसे कि बहुत सारी अभी हमारी जनरेशन है, हम क्या करते हैं, ज्यादा फास्ट फूड वगैरह कंज्यूम करते हैं, लेकिन वहीं पर ही हमारे दादा दादी जो है वो क्या करते हैं, फास्ट फूड कंज्यूम नहीं करते, वो उन्होंने कभी किया ही नहीं होता, इनफैक्ट मेरे दादा दादी ने कभी फास्ट फूड कंज्यूम नहीं किया, तो इसीलिए उनकी डाइट अलग थी, हमारी डाइट अलग है। तो यहां पर ये सबसे ज्यादा एनवायरमेंटल फैक्टर होता है। उसी के साथ में क्लाइमेट कंडीशन भी डिपेंड करती है, और केमिकल्स भी इसमें काफी ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, इसी वजह से क्या होता है कि वेरिएशन आते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर द कॉजेस ऑफ वेरिएशन, तो आपको ये पॉइंट में लिखना है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अब इसके बाद में एक और यहां पे क्वेश्चन आता है, इसको ध्यान से देखते हुए चलना कि व्हाई इज द वेरिएशन इज इंपॉर्टेंट। अब वेरिएशन इंपॉर्टेंट क्यों है, तो बेसिकली इसका ये जो क्वेश्चन है, ये CBSE ने बहुत बार पूछा है, CBSE का वन ऑफ द जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको आप मार्क कर लीजिए, ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है CBSE की जब इसमें पूछेगी। तो आपको याद रखना है कि सबसे फर्स्ट तो यहां पर आता है कि बेसिक ऑफ हेरिडिटी, हेरिडिटी मतलब कि जब ट्रांसफर होता है तो ये उसका बेसिक है। फिर उसके बाद में यहां पर आता है एडेप्टेबिलिटी टू एडवर्स कंडीशन ड्यू टू वेरिएशन, जो भी हमारे पास में वेरिएशन आएंगे उसी की हेल्प से, मान लो कि अगर वेदर खराब हो जाएगा तो हम उसमें सर्वाइव कर पाएंगे। देन फिर इसके बाद में यहाँ पर आते हैं कि न्यू वेराइटीज ऑफ अ ऑर्गेनिज्म मे अराइजेस ड्यू टू दिस वेरिएशन, और इस वेरिएशन की वजह से हो सकता है कि नई वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स भी प्रोड्यूस हो जाए। एंड फिर इसके बाद में आप इसका जो मेन एडवांटेज है, ये डी वाला पॉइंट क्या है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं इसको मार्क कर रहा हूँ, वो ये है कि मेन एडवांटेज ऑफ वेरिएशन टू ए स्पीसीज इज दैट इट इंक्रीजेज द चांसेस ऑफ सर्वाइवल।
सर्वाइवल के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं वेरिएशन। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, वो दिया हुआ है बैक्टीरिया का, कि एक बैक्टीरिया है एक सर्टेन टेम्परेचर तक कर पाता है, कि मैं बोल देता हूँ कि बैक्टीरिया ये करता है 40 डिग्री सेल्सियस तक ये क्या करता है, सर्वाइव कर पाता है हीट को। लेकिन अब जैसे कि मान लो कि इसके अंदर थोड़ा सा वेरिएशन आता है, ये हो जाता है कि इसमें 43 डिग्री सेल्सियस तक ये करेगा, तो क्या होता है कि इसमें थोड़ा सा वेरिएशन आया, तो जिस वजह से क्या होगा कि ये इस टेम्परेचर को बहुत ही आसानी से सस्टेन कर पाएगा, क्योंकि इनके प्रीवियस जनरेशन इसको सस्टेन नहीं कर पा रही थी, तो इसीलिए वेरिएशन आना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ये बात हो गई वेरिएशन वगैरह की। अब इसके बाद में जो अगला पॉइंट आएगा ना, वो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये है भैया मेंडल एक्सपेरिमेंट। ये जो मेंडल दादा थे, इन्होंने बहुत अच्छा काम करा था, और ये बहुत अच्छा काम सीबीएसई को इतना पसंद आता है कि हर साल एक क्वेश्चन तो यहाँ से ये जरूर से जरूर पूछते ही पूछते हैं, फिर वो चाहे इसे 3 नंबर का हो, या फिर वो 5 नंबर का हो, या फिर ये एमसीक्यू फॉर्म में भी आ सकता है। तो इसको टॉपिक को ध्यान से समझो, इसका पूरा जो आपको लिखना है ना, उसी तरीके से मैंने पॉइंट्स में इसको लिखा हुआ है। तो बेसिकली यहाँ पर सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है कि ये फादर ऑफ जेनेटिक्स थे, आप इनको बोल सकते हो कि बापू थे जेनेटिक्स के। और फिर इसके बाद में यहाँ पर जो सेलेक्टेड प्लांट था, इसके ऊपर एक बेस्ड उन्होंने क्वेश्चन भी पूछ रखा है, कौन सा प्लांट था, वो था पाइसम स्टेनियम, जो कि गार्डन पी प्लांट था। ये आपको इसका नेम जो है ये इसको अच्छे से याद रखो, मैंने इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ एक बार, कि पाइसम स्टेनियम था इसका नाम। ठीक है, ये आपको याद रखना है। देन फिर इसके बाद में यहाँ पर आता है कि मेंडल कंडक्टेड एन एक्सपेरिमेंट इन विच ही क्रॉस पॉलिनेटेड सीड। अब उसने क्या करा था कि उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसके अंदर कि उन्होंने क्रॉस पॉलिनेट किया था प्लांट्स। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस की डेफिनेशन क्या होगी, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए अगर आपको लिखना होगा तो ऐसे लिखना है कि इन केस ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस विद द प्योर लाइन ब्रीडिंग वेराइटीज ऑफ अ प्लांट। मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हो कि एक ही तरीके से एक ही प्लांट के साथ में क्रॉस होता है तो उसको कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस, उनका कैरेक्टर सेम होता है। लेकिन वहीं पर अगर बात करें डाईहाइब्रिड क्रॉस की, तो डाईहाइब्रिड के केस के अंदर क्या होता है कि case of a dihybrid plots it involving the two pair of a contrasting character, iske andar do character hote hain, jaise ki monohybrid ke andar kya hoga ki iske andar sirf aur sirf agar tall hai na to dono ki dono tall hi rahenge, lekin jo dihybrid hai iske andar kya hoga ki ek tall hai to dusre wala kya hoga wo hoga short, to ye yahan par isliye hota hai dihybrid crosses ke andar do tarike ke character involve hote hain। देन फिर यहां से इन्होंने कंक्लूजन क्या निकाला मेंडल एक्सपेरिमेंट का, आपको क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ मेंडल एक्सपेरिमेंट। तो यहां पे आपको लिखना होगा कि मेंडल कंक्लूडेड दैट आउट ऑफ एनी पेयर ऑफ अ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर वन, अब ये यहां पर ध्यान से याद रखो कि वन इज अ डोमिनेंट एंड विच मीन्स दैट इट मेक्स द अपीयरेंस इन द हाइब्रिड व्हाइल द अदर इज रिसेसिव। मतलब इन्होंने ये कहा कि एक होता है डोमिनेंट जो कि हाइब्रिड के अंदर अपनी प्रेजेंस को दिखाता है, दूसरा होता है रिसेसिव जो कि अपनी प्रेजेंस को दिखा नहीं पाता, एंड मैनिफिकेशन ऑफ अदर इज मास्क, आप बोल सकते हो कि दूसरे की जो प्रेजेंस है उसको छिपा दिया जाता है। ये था इसका कंक्लूजन। उसी के साथ में अगर मैं बात करूं नेक्स्ट पॉइंट यहां पर आता है कि जो होमोलोगस डोमिनेंट ट्रेट होता है इसको किससे डिनोट किया जाता है, इसको दो कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि होमोजीनियस है तो आपको करना होगा टॉल की, अगर मैं बात कर रहा हूं टॉल है तो आपको इसको लिखने के लिए करना होगा डबल टी। ठीक है, ये होता है कि यहां पे ये बताएगा कि ये होमोलोगस डोमिनेंट ट्रेट है। फिर उसके बाद में यहां पर वेयरलेस जो हमारा होमोलोगस रिसेसिव है मतलब छोटा है तो आप उसको डिनोट करोगे स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करोगे, ये यहां पर बताएगा कि इसकी हाइट जो है वो है स्मॉल, यहां पे टी बताता है कि क्या उनकी हाइट है। ठीक है, ये होते हैं स्मॉल लेटर से। देन फिर इसके बाद में यहां पर जो नेक्स्ट आता है कि इन क्रॉसिंग इफ टू और मोर, यहां पे ध्यान से देखो कि इन क्रॉसिंग टू और मोर ट्रेट्स आर इन्वॉल्व्ड देन जीन्स आर इंडिपेंडेंटली इररेस्पेक्टिवली ऑफ कॉम्बिनेशन प्रेजेंट इन द पेरेंट। अब जैसे कि ये यहां पर इसको इतना याद रखने की जरूरत है आपको, तो बस ये याद रखना है ये वाला पॉइंट जो है कि गैमेट इज अ प्योर एंड पजेस ओनली वन जेन सेट। इसमें गैमेट प्योर होता है और उसमें बस एक ही जेन सेट होता है। अब वो किस तरीके से होता है क्या होता है हम देखते हैं। अब देखो आपको ये जो डायग्राम है ना ये पूरा आपको फ्लो चार्ट है ये याद रख लो, इसको अच्छे से याद रख लो, आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी और आप इसको समझ लोगे तो आपको रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट में क्या है कि एक है टॉल पी प्लांट और एक है शॉर्ट पी प्लांट। ठीक है, अब यहां पे शॉर्ट पी प्लांट है तो इसकी हाइट को रिप्रेजेंट करने के लिए स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करा गया, वहीं पर ही टॉल को डबल टी से रिप्रेजेंट करा गया और इसके दो कैरेक्टर है टी और टी और टी और टी। ठीक है, अब इसके बाद में क्या कराना है आपको क्रॉस करवाना है इनका, तो आप क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, एक आप इसका सिलेक्ट करोगे। ठीक है,
कैपिटल टी आपने एक बार सेलेक्ट किया, और एक बार आप इसका स्मॉल लोगे और एक बार ये वाला स्मॉल लोगे, ये हो गया। फिर उसी तरीके से आप ये सेकंड वाले को सेलेक्ट करोगे, तो आप एक बार इस टी को सेलेक्ट करोगे और एक बार इस टी को सेलेक्ट करोगे, तो उससे बनेगी ये वाली टेबल। तो इस टेबल के अंदर एंट्रीज आ जाएंगे आपके पास में, टी सभी के अंदर इस कैपिटल टी और स्मॉल टी आएगा, तो ये इस तरीके से आपके पास में रहने वाला है। ये हो गई F1 जनरेशन, मतलब कि फर्स्ट जनरेशन है जिसके अंदर की प्योरली टॉल पी प्लांट था और प्योरली शॉर्ट पी प्लांट था, तो आपके पास में ये मिला। तो यहाँ पे क्या होगा कि इसके अंदर आपको याद रखना है कि ऑल द प्लांट्स आर टॉल, जितने भी प्लांट्स हैं वो टॉल होंगे, क्योंकि जहाँ पर डोमिनेंट क्या है, यहाँ पर डोमिनेंट है टॉल, इसीलिए हर एक प्लांट टॉल होगा। लेकिन जो F1 जनरेशन वाले जब पेरेंट बनेंगे, जैसे कि ये जो पेरेंट बनेंगे, तो इनके अंदर जो इनके कैरेक्टर हैं वो इस तरीके से हो जाएंगे, एक हो जाएगा कैपिटल टी और एक हो जाएगा स्मॉल टी। जब हम इस टी को सेलेक्ट करेंगे, कैपिटल टी को सेलेक्ट करेंगे, तो हमारे पास में दो कॉम्बिनेशन आएंगे, एक तो आएगा कैपिटल टी और कैपिटल टी, और एक आएगा हमारे पास में कैपिटल टी और स्मॉल टी। और फिर इसके बाद में जब हम सेकंड वाले को सेलेक्ट करेंगे स्मॉल टी को, तो हमारे पास में आएगा टी और फिर उसके बाद में टी। लेकिन यहाँ पर ये देखो, एक है स्मॉल टी और दूसरा भी स्मॉल टी, तो हमारे पास में एक जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर आएगा वो आएगा टी स्लैश टी। ये मैंने दूसरा कलर से लिख दिया, इसको मैं चेंज करके लिखता हूँ कि कैपिटल स्मॉल टी आ जाएगा, ठीक है। अभी तक सारे के सारे हमें मिल रहे थे कैपिटल टी स्मॉल टी, तो यहाँ पे कोई भी स्मॉल नहीं मिल रहा था, तो एक हमें मिला स्मॉल टी, तो ये क्या हो गया, ये हो गया शॉर्ट हो गया, क्योंकि देखो आप फर्स्ट के अंदर शॉर्ट कब था, जब उसके पास में डबल टी स्मॉल थे, तो यहाँ पे आ गया स्मॉल। तो आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि F2 जनरेशन के अंदर फर्स्ट टाइम के ऊपर रिसेसिव कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होगा, और इसके अंदर क्या रेशियो रहेगा, इसके अंदर रेशियो रहेगा कि 75% टॉल रहेंगे, 25% इसके अंदर शॉर्ट रहेंगे, चार में से एक है, तो यहाँ पे 75 और 25 हो गया। इसका फिनोटिपिक जो रेशियो है वो रहेगा हमारे पास में 3:1, और इसके साथ में जो जीनोटिपिक रेशियो है इसका वो रहने वाला है 1:2:1, ठीक है। ये इस तरीके से आपको ये पॉइंट याद रखने हैं, डायरेक्टली अगर कंक्लूजन पे आते हैं तो आपको ये सब कुछ इसमें लिख देना है। और फिर इसके बाद में यहाँ पर आते हैं VVIP, मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये डेफिनेशन की फॉर्म में आ सकते हैं, तो इनको बिल्कुल भी मिस मत करना। तो सबसे फर्स्ट यहां पर आता है LI। LI होता क्या है कि मतलब वन ऑफ द डिफरेंट फॉर्म ऑफ ए पर्टिकुलर जेन, एक भी डिफरेंट फॉर्म होती है पर्टिकुलर जेन की, उसको ही LI कहा जाता है। अब इसके बाद में आता है डोमिनेंट LI। अब देखो इसके नाम से क्लियर है कि ये डोमिनेंट करेगा, तो मतलब एक ऐसा LI जो कि अपनी प्रेजेंस को दिखा सकता है, और अगर कोई दूसरा भी प्रेजेंट है तो उसको यहाँ पे रेसेसिव LI कहते हैं। सिंपल से इसके डेफिनेशन, इसको कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है, और ये जो रिसेसिव है ये वो होता है जो कि अपने प्रेजेंस को दिखा नहीं पाता, और इसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे, इसको रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल टी से। अब इसके बाद में आता है जीनोटाइप। अब देखो जीनोटाइप क्या होता है, बेसिकली आपके पास में जेनेटिक कंपोजिशन देता है कोई भी एक इंडिविजुअल की, जैसे कि वो प्योर है, हाइब्रिड है, या फिर कैसा है, वो यहाँ पे जीनोटाइप कहा जाता है। और वहीं पर ही अगर बात करें फिनोटाइप की, फिनोटाइप बेसिकली बताता है कि उसके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, कि वो टॉल है या फिर ड्रॉफ है, मतलब फिजिकली कैसा दिख रहा है, कि आप मोटे हो, पतले हो, काले हो, सुंदर हो, कैसे भी, जो कि फिजिकली दिख रहा है। और ये जेनेटिकली बता रहे हैं कि यहाँ पर ये जेनेटिकली कैसा है, ये प्योर टॉल है या फिर हाइब्रिड टॉल है, क्या है, वो सब कुछ इसमें ये इस तरीके से रहता है। फिर इसके बाद में यहाँ पर आता है मोनोहाइब्रिड ट्रेट। अब मोनोहाइब्रिड ट्रेट क्या होता है, बेसिकली इसके अंदर ये होता है कि द क्रॉस इन विच वन पेयर ऑफ अ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट इज टेकन इनटू कंसीडरेशन, दैट इज नॉन एज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मतलब एक ऐसा क्रॉस जिसके अंदर जो कंसीडरेशन में सिर्फ और सिर्फ एक ही लिया जाए, अब इसके बाद में आता है मोनोहाइब्रिड रेट। अब मोनोहाइब्रिड रेट क्या होता है, बेसिकली द क्रॉस इन विच वन पेयर ऑफ अ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट इज टेकन इनटू कंसीडरेशन, सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट को कंसीडरेशन में लिया जाए, दैट इज नोन एज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। एंड द रेशियो 3:1, यहां पर याद रखना कि द रेशियो 3:1 विच वी ऑब्टेन इन द मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज अ मोनोहाइब्रिड रेशियो, जो हमें रेशियो मिला था उसको कहा जाता है मोनोहाइब्रिड रेशियो। और वहीं पर अगर बात करें डाई हाइब्रिड रेट
ट्रेट की डायहाइब्रिड ट्रेट क्या होता है, ये होता है कि द क्रॉस इन विच टू पेयर ऑफ अ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर आर टेकन इनटू कंसीडरेशन, जिसके अंदर की दो पेयर को लिया जाता है कंसीडरेशन में, उसको कहा जाता है डायहाइब्रिड क्रॉस। और इसका जो रेशियो रहता है वो रहता है 9:3:1। ये एग्जाम के अंदर नहीं पूछा जाता इतनी बड़ी टर्म, बेसिकली पूछा जाएगा मोनोहाइब्रिड रेशियो क्या होता है, तो ये आपको याद रखना है। देन फिर इसके बाद में यहां पर आता है डोमिनेंट एलाई। अब देखो डोमिनेंट एलाई क्या मतलब, डोमिनेंट ट्रेट क्या होता है, ट्रेट इन विच इज एबल टू एक्सप्रेस इन F1 जनरेशन, उसको कहा जाता है भैया डोमिनेंट। और रिसेसिव क्या होता है, द ट्रेट विच इज नॉट एबल टू एक्सप्रेस इन F1 जनरेशन बट ये क्या हो जाता है, वापस से रीअपियर हो जाता है F2 जनरेशन के अंदर, ये वापस अपना इंतकाम लेने के लिए आ जाता है, इसको इस तरीके से याद रख सकते हो। देन फिर इसके बाद में यहां पर आता है होमोलोगस हेटरोलोगस। होमोलोगस क्या होता है, होमोलोगस वो होता है जिसके अंदर की सिमिलर टाइप ऑफ जीन्स होंगे, हेटरोलोगस क्या होता है जिसके अंदर की डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीन्स होंगे, उसको कहा जाएगा। और वहीं पर ही डोमिनेंट जेन क्या होता है, वो होता है कि द जेन विच इज एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन बोथ होमोलोगस एंड हेटरोलोगस, एक ऐसा जेन जो कि अपने होमोलोगस में और हेटरोलोगस में दोनों में अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा उसको डोमिनेंट कहते हैं, जो एक्सप्रेस नहीं कर पाता उसको कहते हैं भैया रिसेसिव जेन। देखो ये डोमिनेंट और रिसेसिव समझ दो, सारी डेफिनेशन अपने आप बनने लग जाएंगे। और फिर इसके बाद में यहां पर जो 10th है, ये क्वेश्चन आया था आपके पास में केस बेस्ड क्वेश्चन के अंदर आया था कि इसमें एक्वायर्ड ट्रेट या फिर इनहेरिटेड ट्रेट से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो अब देखो ध्यान से मेरी बात, एक्वायर्ड ट्रेट इसके नाम से क्लियर है कि जो आप एक्वायर करोगे बाहर आकर के, वर्ल्ड में आकर के जो एक्वायर करोगे उसी को कहा जाता है एक्वायर्ड ट्रेट, मतलब बाहर आकर के सीख रहे हो। जैसे कि आपको जेनेटिकली बोलना नहीं सिखाया, अगर मान लो कि आप इंडिया में नहीं पैदा होते और आप क्या होते कि आप यूएसए के अंदर होते, आपके पेरेंट्स क्या होते यूएसए से होते, तो आप क्या बोलना सीखते, आप इंग्लिश बोलते, हिंदी नहीं बोलते। तो बेसिकली क्या है, ये आपने बाहर आकर के सीखा है, तो जो आपके अंदर जेनेटिकली प्रेजेंट नहीं होता उसको कहा जाता है एक्वायर्ड ट्रेट, नॉट प्रेजेंट इन द रिप्रोडक्टिव सेल उसको कहा जाता है एक्वायर्ड ट्रेट, और वी एक्वायर इट फ्रॉम सराउंडिंग। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए आप लोग मेरे को इसका आंसर देना कि जो सचिन तेंदुलकर है, ठीक है, जो सचिन तेंदुलकर है उसका जो सन है क्या वो एक गुड क्रिकेटर होगा, क्योंकि उसके फादर जो है वो वन ऑफ द लीजेंडरी क्रिकेटर हैं, तो क्या ऐसा जरूरी है कि उनका सन होगा, नहीं ऐसा जरूरी थोड़ी है, ये ट्रांसफर नहीं होता। अगर ट्रांसफर होता ना तो सचिन इतने बढ़िया बैट्समैन थे तो उनका सन भी उतना ही बढ़िया बैट्समैन होता, फिर उसके बाद में उसका सन होता, तो ऐसे चलता रहता। लेकिन यहाँ पर भगवान ने करा नहीं भाई, जो जितनी मेहनत करेगा उसको उतना मिलेगा। तो भैया अगर सचिन का बेटा सचिन जितनी मेहनत करता है तो उनके जैसे डेफिनेटली बन सकता है, अगर नहीं करता तो नहीं बनेगा। तो यही है यहाँ पर कि एक्वायर्ड ही होता है। और इनहेरिटेड क्या होता है, इनहेरिटेड बेसिकली होता है रिप्रोडक्टिव सेल के अंदर ये प्रेजेंट होता है और ये हमें मिलता है हमारे पेरेंट्स के थ्रू। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए हमारा हेयर कलर हो गया, स्किन कलर हो गया, ये सब कुछ कहाँ से मिलता है, ये मिलता है हमारे पेरेंट्स के थ्रू। तो ये होते हैं इनहेरिटेड ट्रेड्स। देन फिर इसके बाद में यहाँ पर आता है सेक्स डिटर्मिनेशन। ये क्या होता है, बेसिकली आपको ये बताया जाएगा कि इसके अंदर क्वेश्चन जो आएगा आएगा कि ह्यूमन बींग्स के अंदर किस तरीके से आपको ये वाला जो चार्ट है ये आपको ड्रॉ करना है, ये हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन यहां से भी आता है कि क्या क्या फैक्टर होते हैं जिसके ऊपर सेक्स डिटरमिनेशन डिपेंड करता है। सबसे फर्स्ट फैक्टर आता है यहां पर, वो है एनवायरमेंटल कंडीशन। जैसे कि इन सम एनिमल्स द टेंपरेचर एट विच द फर्टिलाइज्ड एग आर कैप्ट, मतलब कि जिस टेंपरेचर के ऊपर फर्टिलाइज्ड एग को रखा गया है वो डिटरमाइन करता है कि क्या होगी, ऑफस्प्रिंग मेल होगी या फिर फीमेल होगी, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि होता है टर्टल्स के अंदर कि अगर ज्यादा गर्मी होती है 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होता है तो वहां पे क्या होता है, फीमेल का बॉर्न होता है, और अगर 40 डिग्री सेल्सियस से कम होता है तो वहां पे मेल होता है। तो ये यहां पे होता है एनवायरमेंटल कंडीशन। फिर इसके बाद में यहां पर आते हैं जेनेटिक। जेनेटिक के अंदर क्या होता है कि डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स लार्जली बाय द जेनेटिक कंट्रोल जीन इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट्स, जो कि पेरेंट्स के थ्रू मिलता है जेनेटिक, वो आता है ह्यूमन बींग्स के अंदर, बाकी के जितने भी एनिमल्स हैं उनमें ये होता है। तो यहाँ पे अब अगर हम बात करें कि ह्यूमन बींग्स के अंदर किस तरीके से होता है सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है, अब यहाँ पे एक मेरा क्वेश्चन है, हर एक स्टूडेंट इसका आंसर देगा जो अभी तक देख रहा है। वैसे तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने इतना बड़ा अच्छे से पढ़ के आए हो, तो अब एक क्वेश्चन का आंसर दो कि हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं। मैंने ध्यान से सुनो कि टोटल नंबर पूछा है, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं।
अब यहाँ से बहुत सारे बच्चे देख करके आंसर दे दिया होगा भैया 23 होते हैं, आपने खुद नहीं तो लिख रखा है, लेकिन यहाँ पे वो गलत हो गई क्योंकि मैंने बोला है टोटल नंबर, यहाँ पर लिखे हुए हैं क्या 23 पेयर होते हैं, तो टोटल कितने हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 46 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे, जिनमें से क्या होता है कि एक पेयर होता है सेक्स क्रोमोसोम का और ये होता है मेल के अंदर जो होता है वो होता है XY और जो फीमेल होते हैं उनमें होता है XX। अब जैसे कि फादर जो हैं जो कि मेल है उनके पास में जो क्रोमोसोम्स हैं वो है X और Y और मदर है उनके पास में XX। अब इसके बाद में इनके गैमेट्स की बात करते हैं, इनके गैमेट्स रहेंगे X और Y और X और X। अब इसके बाद में जब आप इनका क्रॉस करवाओगे तो X के पास में कितने कॉम्बिनेशन है, ठीक है, अब देखो ध्यान से, एक तो ये होगा कि हमारे ये वाला एक्स है एक बार इस एक्स के साथ में मिल जाए और एक बार इस एक्स के साथ में मिल जाए तो क्या होगा, इसके पास में दोनों सेम रहेंगे, तो अगर ऐसा होता है तो क्या होगा, गर्ल चाइल्ड होगा। लेकिन वहीं पर अगर हम वाई को सिलेक्ट करते हैं, ये वाला वाई है इसको सिलेक्ट करते हैं तो एक बार ये एक्स के साथ में जाएगा और एक बार ये वापिस एक्स के साथ में जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा कि इसके अंदर जो प्रोबेबिलिटी है वो ये है कि यहाँ पे बॉय चाइल्ड होने के चांसेस हैं, तो ये हो गया यहाँ पे। तो टोटल कितने कॉम्बिनेशन है, यहाँ पर है 4 कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या है, वो है 4 कॉम्बिनेशन है जिनमें से 2 तो है गर्ल चाइल्ड और 2 है यहाँ पर बॉय चाइल्ड, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा कि जो बच्चा है वो बॉय होगा या फिर गर्ल होगा, तो हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगा करके, फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम, फेवरेबल कितने हैं वो है 2 और टोटल कितने हैं वो है 4, तो हमारे पास में आंसर आ जाएगा 1/2, इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो 50% प्रोबेबिलिटी होती है कि गर्ल चाइल्ड होगी या फिर बॉय चाइल्ड होगा, और जल्दी से आप सब्सक्राइब कर दो और मिलते हैं हम लोग उस नेक्स्ट वीडियो के अंदर।